मधुबाला एक इश्क एक जुनून मई 2012 में कलर्स चैनल पर प्रसारित हुआ। तब ये शो कलर्स के लोकप्रिय शोज में से एक रहा, जिसकी कहानी से लेकर इसके स्टार कास्ट भी काफी दमदार थे, जिन्होंने अपने अलग अलग किरदारों में खुद को बखूबी ढाला, इस शो को लोकप्रिय बनाया, जिसमें मुख्य किरदार में टीवी के हैंडसम अभिनेता विवियन डिसेना और दृष्टि धामी नजर आए, जिनकी जबरदस्त लव स्टोरी हमें देखने को मिली, जो टीवी की सबसे खूबसूरत जोड़ी में से एक थी, जिन्हें दर्शक घर घर देखना पसंद कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि विवियन डिसेना और दृष्टि धामी आपकी फेवरेट जोड़ी आपके फेवरेट शो मधुबाला का सीजन 2 लेकर आ रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, मधुबाला सीजन 2 आ रहा है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसके स्टार कास्ट कौन कौन होंगे, इस पार्ट 2 की कहानी क्या होगी और ये शो कब तक टीवी पर ऑन एयर आएगा। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं सीरियल के पार्ट 2 से जुड़ी सभी बातों के बारे में, तो बस बने रहें वीडियो के अंत तक। सौरभ तिवारी और अभिनव शुक्ला के निर्देशन में प्रसारित किया गया सीरियल मधुबाला एक इश्क एक जुनून कलर्स चैनल का पॉपुलर शो रहा, जिसकी प्यार भरी कहानी को आरके और मधुबाला के किरदारों के साथ अभिनेता विवियन डिसेना और दृष्टि धामी ने पर्दे पर पेश किया। पर कहानी में एक नया मोड़ आने पर टीआरपी में लगातार गिरावट आने के कारण शो में 20 साल का बड़ा गैप आया, जिसकी वजह से ये शो वापस दर्शकों को अपने साथ जोड़ने में नाकामयाब रहा, इसलिए शो को ऑफ एयर कर दिया गया। लेकिन आपको बता दें कि छोटे पर्दे पर अब तक जैसे साथ निभाना साथिया, ससुराल सिमर का और बालिका वधु सहित टीवी शोज के दूसरे सीजन की वापसी हुई है, ठीक वैसे ही इस लिस्ट में नया सीरियल का नाम मधुबाला एक इश्क एक जुनून का भी नाम है, क्योंकि प्रोड्यूसर सौरभ तिवारी ने इस फैमिली ड्रामा को वापस लाने की पूरी तैयारी कर ली है। बताया जा रहा है कि प्रोड्यूसर सौरभ तिवारी पुराने स्टार कास्ट यानी कि विवियन डिसेना और दृष्टि धामी से मधुबाला सीजन 2 की बात कर रहे हैं। अगर उनके साथ बात पक्की होती है तो जल्द ही सीरियल का सीजन भी हमें देखने को मिलेगा, जिसमें इनकी दमदार लव स्टोरी हमें दिखेगी। आपको बता दें, मधुबाला एक इश्क एक जुनून 2 OTT प्लेटफॉर्म पर पहले दस्तक देगा। जी हाँ दोस्तों, खबरें आ रही हैं कि ये शो अगले ही साल पहली तारीख में लॉन्च होगा, जिसकी एक नई कहानी होगी, लेकिन मूल संस्करण की तरह इसका बैकग्राउंड फिल्म में होगा और ये 25 एपिसोड की सीरीज होगी। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं मधुबाला एक इश्क एक जुनून 2 को देखने के लिए? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।